दोस्तों, आज आप सभी के साथ में जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये आपके सर दर्द में, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, कमज़ोरी थकान दूर करने के लिए और बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्पेशली इन समर्स, गर्मियों में बहुत ही लाभकारी है। और ये लड्डू खाने में टेस्टी भी होते हैं। कम से कम चीज़ों के साथ बना के हम इसे सीखेंगे और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसे बनाना सीखते हैं। एकदम मेल्ट इन माउथ वाले लड्डू बन के तैयार होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए इसे बनाना सीखते हैं। हे फूडीज, वेलकम बैक टू क्यूमिन करी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे समर स्पेशल सरदर्द दूर करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू की रेसिपी। तो सबसे पहले ये जो सूखा नारियल होता है दोस्तों, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। दो नारियल के गोले मैंने कद्दूकस करके रखे हैं, 15 से 20 बादाम रखे हैं और आधा कप के जितना खरबूजे के बीज रखे हैं। सबसे पहले बादाम को और खरबूजे के बीज को आपको मिक्सी में डाल के डायरेक्ट हल्का सा कोर्स पीस लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा दरदरा टेक्सचर होगा तो चलेगा, अच्छा लगेगा लड्डू में। तो ये हमने पीस लिया है, एक पाउडर वाले फॉर्म में बना लिया है, लेकिन ये बहुत महीन पाउडर नहीं है। अब एक कढ़ाई में आपको एक करछी के जितना घी लेना है, और जो लोग घी स्किप करना चाहते हैं वो पाउडर को डायरेक्टली कढ़ाई में डाल के ऐसे ही हल्का सा रोस्ट भी कर सकते हैं। बट थोड़ा सा घी डालने में ना बाइंडिंग में मदद मिलती है। बट अगर आप नहीं भी डालोगे, उसका तरीका मैं आगे बताऊंगी कि बिना घी डाले किस तरीके से बाइंड करें इस लड्डू को। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। अब इस मिक्सचर को आपको थोड़ा सा घी के साथ भून लेना है, मुश्किल से 30 सेकंड से 1 मिनट तक, मीडियम लो फ्लेम पर। आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ ना रखें, नहीं तो ये बहुत जल्दी जलने के चांसेस होते हैं। तो आपको इसको मध्यम आँच पर भून लेना है थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने नारियल को कद्दूकस करके रखा है। सबसे अच्छी बात इस रेसिपी के लिए ये है कि आपको डेजिकेटेड कोकोनट की भी ज़रूरत नहीं, यानी कि नारियल के बूरे की ज़रूरत नहीं, आप घर वाले सूखे नारियल के गोले के साथ बना सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया एक छोटा चम्मच के जितना काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना है, काली मिर्च के आप करीब 9 से 10 दाने ले लें, उसको फ्रेशली कूट के डालें तो बहुत ज़्यादा मदद करता है सर दर्द को दूर करने में और इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। हरी इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट और ज़्यादा बढ़ाना है, लेकिन जैसे कि हम इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बना रहे हैं तो इसलिए मैंने सिर्फ काली मिर्च का, कुटी हुई काली मिर्च डाली थी। नारियल डालने के बाद आपको इसको धीमी आंच पे थोड़ा सा हल्का सा सुनहरा हो जाए, बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है, हल्का सा सुनहरा हो जाए बस उतना हम भूनेंगे। अक्सर होता है दोस्तों, घर में नारियल के गोले रखे होते हैं और उसका कोई हम यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि नॉर्मली नारियल के बर्फ़ी और लड्डू बनाने के लिए हम बाहर से नारियल, डेजिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बूरा ले आते हैं, लेकिन घर वाले नारियल के गोले को यूज़ करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसे भूनते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो गए थे और हमारा नारियल काफ़ी अच्छे से भुन चुका है, हल्का सा सुनहरा हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें काफ़ी अच्छी क्रंच आ गई है और साथ ही में बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है नारियल की। बस इतना ही हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस एक हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाए, इतना ही हमने भूना है। तो धीमी आंच पे आपको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। इसे हम खाली कर लेंगे एक दूसरे बर्तन में ताकि वो दूसरे साइड थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और उसी कढ़ाई को मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 कप के जितना चीनी, और इसमें हम डालेंगे 2/3 कप के जितना पानी, मतलब 1 कप से थोड़ा कम ही पानी रखिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस चाशनी को हमें कोई एक तार की, दो तार की ऐसे नहीं बनाना है, बस इसमें चीनी को हमें पिघलाना है, ये मिक्सचर हमें थोड़ा सा चिपचिपा बनाना है, इतना ही करना है। तो अगर आपने 1 कप चीनी ली है तो 1 कप चीनी से थोड़ा सा कम पानी लें चलेगा। ये देखिए चीनी अच्छे से घुलना शुरू हो गई है। जैसे कि ये रेसिपी मैं समर के लिए बता रही हूँ, गर्मियों के लिए अगर आप सर्दियों के लिए बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं, गुड़ का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और इसमें और ज़्यादा मेवे डाल सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा मेवे डालना गर्म करता है, क्योंकि मेवों की प्रॉपर्टी होती है गर्म करने की। तो हमने सारे ऐसे मेवे यूज़ किए हैं बादाम को छोड़ के, जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते। तो अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आप अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, हर तरीके के मेवे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए चाशनी एकदम अच्छे से बन गई है, यानी कि चीनी घुल चुकी है, इसमें कोई तार वार नहीं बन रहा है, बस चिपचिपा सा ये घोल होना चाहिए, इतना आपको करना है। तो ये रेडी है, अब इसमें हम डाल देंगे अपना मिक्सचर जो हमने भून के रखा था। तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा मिक्सचर डाल दिया,
अगर आप इस लड्डू को रोज़ एक लड्डू कंज्यूम करते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर आपकी आंखों की रोशनी में भी आप देखोगे सुधार होगा और सर दर्द की समस्या ख़त्म हो जाएगी और इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी ही होगी। वैसे भी हमें ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, थोड़े थोड़े करके एक दिन में खाने चाहिए, लेकिन अगर आप इस लड्डू का कंटिन्यूस सेवन करते हैं 1 महीने तक 3 महीने तक, तो आपको खुद फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर दर्द, जैसे आजकल हम लोग फ़ोन की स्क्रीन और लैपटॉप्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उन लोगों के लिए खासी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और खाने में तो टेस्टी होती ही है। ऐसा नहीं कि आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा एक दवाई की तरीके से खाने के लिए, खाने में भी टेस्टी होती है, आप अपने आप ही खाओगे। 3 महीने तक तो वैसे ये बचेगी नहीं, तो आप इसे बना के रख लें, जब ख़त्म हो फिर से बना लें। इसे एयरटाइट कंटेनर में आप 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने नारियल वाला मिक्सचर, मतलब जो चीज़ें मैंने भूनी थी उसको डालने के बाद थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए और भूना, इसने चीनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया। बस इसे हम खाली कर लेंगे एक दूसरे बर्तन में, थोड़ा सा 5-10 मिनट का रेस्ट देंगे। गर्म पे ही आपको ये लड्डू बनाना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नहीं तो बांधने में दिक्कत होगी। हाथ में थोड़ा सा घी या फिर आप पानी भी लगा सकते हैं और इस तरीके से घुमाते हुए इसके गोले बना लें, लड्डू बना लें। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना भूल गई, वो टिप है कि जैसे आपने जितना भी सूखा मिक्सचर है वो डाला उसके अंदर, अगर नारियल बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल सकते हैं उसे बैलेंस करने के लिए, या फिर अगर बहुत ज़्यादा गीला हो गया है तो आप सूखा नारियल थोड़ा सा ऐड कर दें मिक्सचर को ठीक करने के लिए। लेकिन जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए कितना ज़्यादा एकदम मेल्ट इन माउथ, ये बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बन के तैयार होते हैं जब आप इसे रखोगे, थोड़ा सा और ये सेट हो जाएंगे। अभी गर्म है ना इसलिए और ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, लेकिन जैसे ये ठंडे होंगे ये एकदम शेप अच्छे से होल्ड कर लेंगे। ये देखिए ठंडे होने के बाद ये कैसे दिख रहे हैं, बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसे आप एयरटाइट कंटेनर में रख दें। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो आप 6 महीने के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसी चीज़ें इतने दिनों के लिए बचती नहीं हैं, ये लंबे टाइम के लिए चलेगा। बाहर रखेंगे तो मुश्किल से आपका 20-25 दिन चलेगा, क्योंकि नारियल है। कोशिश करें कि आप किसी एयरटाइट कंटेनर में करके फ्रिज में रख दें, आपका आराम से लड्डू काफ़ी दिनों के लिए, इनफैक्ट काफ़ी महीनों के लिए चल जाएगा। तो मुझे आप कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी के दौरान कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं डेफ़िनेटली आप सभी को हेल्प करूंगी। जैसे कि ये मैंने समर स्पेशल लड्डू सिखाया, इसी तरीके से मैंने सर्दियों के लिए भी सिखाया है। अगर आपको वो रेसिपी देखनी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन से भी जा सकते हैं, आप वो लड्डू देख सकते हैं। वो मैंने गोंद के साथ और भी बहुत सारे मेवों के साथ बताए हैं, तो आप वो रेसिपी भी ज़रूर चेक करें, बहुत टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है वो भी। इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन भी याद से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोज़ अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशंस आपसे मिस नहीं हों। मैं मिलती हूँ इसी तरीके की एक और नई रेसिपी के साथ नए दिन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप कुकिंग, ईट हेल्दी।